मैं चाहता हूं कि वो खुतबा है हज्जतुल विदा आज के इस जुमा में मैं तिलावत करूं इंशाअल्लाह। ये मेरे लिए भी सआदत की बात है, अरफा का दिन आया है और जुमा का दिन भी आया है, और जाहिर सी बात है अब अरफात के मैदान में हम तो खुतबा नहीं दे पाते, यहाँ पर जब दिन भी वो आया है और ख़ुतबे का मौका भी है, तो मैंने महसूस ये किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन जो खुतबा दिया था वही खुतबा हम जुमा में तिलावत करें। यह आखिरी खुतबा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आखिरी खुतबा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसी खुतबे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था लअल्ली ला अल्काकुम बादा आम हाज़ा औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शायद हो सकता है कि इसके बाद फिर मैं दोबारा तुमसे इस जगह पर नहीं मिलूंगा। उसी खुतबे के शुरू में ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया था कि हो सकता है इस साल के बाद मैं फिर तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। और इसी खुतबे के दौरान वो आयत नाजिल हुई कुरान की, जिसको कुरान की सबसे आखिरी आयत कहा जाता है। अब जो कुरान आप पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा से शुरू है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, और ख़त्म कहाँ होता है? वन्नास पे। सूरह कुल औधु बिरब्बिन्नास पढ़ते हैं, उसके बाद वन्नास पे ख़त्म होता है। लेकिन जो नुज़ूल की तरतीब है वो अलग है, नाजिल होने की जो तरतीब है, सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक नाजिल हुई, पांच आयतें, उसके बाद सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई है। तरतीब के एतबार से नुज़ूल तरतीब अलग है। उस दिन जो सबसे आखिरी आयत नाजिल हुई वो थी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसको मैंने अभी तकरीर से पहले तिलावत किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये आयत उसी वक्त नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करके लोगों को सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दीन मुकम्मल हो गया और मैंने अपनी नियामतें पूरी दे दी और मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरह माईदा की यह आयत है, छठे पारे में मौजूद है। सारे सहाबा खुश हो गए, जाहिर सी बात है अहकाम अब उतरने नहीं थे, अब क्या हलाल है क्या हराम है सब कुछ बयान हो चुका है, सब कुरान में आ गया, दीन कंप्लीट हो गया। यहूदी कहते हैं ऐसी कोई आयत अगर हमारे किताबों में आ जाती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते हैं कि दीन कंप्लीट हो गया। इस्लाम को कंप्लीट कहा किसने? अल्लाह ने। सहाबा इकराम खुश भी थे उस दिन, सारे अरफात के मैदान में खुश थे कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। जाहिर सी बात है घर बना रहे हैं तो जिस वक्त घर पूरा मुकम्मल हो जाए तो खुशी का दिन है। जो चीज़ आपने शुरू की है वो जब कंप्लीट हो जाए तो खुशी होती है कि नहीं? सब खुशियों में थे सिवाय एक के, वो सिद्दीक अकबर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान के किनारे रो रहे थे और अकेले बैठे थे। सहाबा ने कहा अबू बकर आज खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो चुका। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया यकीनन खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन मुझे इसका दूसरा रुख यह नज़र आता है, वह रसूल आए थे दीन मुकम्मल करने के लिए, जब दीन मुकम्मल हो गया तो शायद अब रसूल हमारे दरमियान नहीं रहे। रसूल आए किसके लिए? दीन मुकम्मल करने के लिए। अब वो अपना काम कर चुके हैं तो शायद अब हमारे दरमियान नहीं रहेंगे, मुझे ये खौफ सता रहा है। वो सिद्दीक अकबर वो यारे गारे रसूल थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम सफ़र भी रहे, हज़र के साथी, हर जगह के साथी। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन आखिरी दिनों को महसूस किया। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा बयान फरमाया वो खुतबा मैं उर्दू तर्जुमा भी आपको बता दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में क्या क्या बयान फरमाया गौर से सुने, या अदब की भी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबे में बयान फरमाया इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है खुतबा, मैं पूरा तर्जुमा ये लिख कर ये लाया हूँ आपके पास। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम उसकी हमद करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से माफ़ी मांगते हैं, उसी के पास तौबा करते हैं। हम अल्लाह ही के हाँ अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने आमाल की खराबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई उसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई दूसरा हिदायत दिखा नहीं सकता। ये पूरा खुतबा मिन व अन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले में बयान फरमा रहा हूँ। तसव्वुर में लाओ अरफात का मैदान, मेरे आका ऊँटनी पर सवार होकर ये जुमले बयान फरमा रहे थे। अगर
होश वाला जी शऊर मुसलमान हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को ये सुनेगा। मैं क्यों बयान कर रहा हूँ जानते हैं, आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा जो तुम में से यहाँ मौजूद है वो जो यहाँ नहीं मौजूद है उसको सुनाने की जिम्मेदारी ले ले कि जो हाजिर है वो गायब को सुनाए, उन्हीं लोगों में से मैं हूँ कि हमारे बड़ों ने हम तक वो पहुँचाया है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को पहुँचाऊँ जिन्होंने ये हुजूर का खुतबा नहीं सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा बयान फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद करता हूँ और उसकी इताअत पर ज़ोर देता हूँ और मैं इसी से इब्तिदा करता हूँ जो भलाई है। ऐ लोगो, मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ खबर, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुमसे इस वक्त, मैं तुमसे इस क़यामगाह में यानी इस अरफात के मैदान में इस साल के बाद दोबारा फिर कभी मुलाकात कर सकूं। हाँ, जाहिलियत के तमाम दस्तूर आज मैंने अपने पाँव से रौंद दिए, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं और किसी अजमी को अरबी पर नहीं, किसी सुर्ख को सियाह पर नहीं और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। हाँ, फजीलत है तो सिर्फ तकवा के ज़रिए से होगी। खुदा से डरने वाला इंसान मोमिन होता है और उसका नाफरमान बदबख्त होता है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। ऐ लोगो, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी हराम हैं जैसा कि आज के दिन की हुरमत है, आज के महीने की हुरमत है और आज के इस महीने की हुरमत है और इस जगह की हुरमत है। देखो, अनकरीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। खबरदार, मेरे बाद गुमराह न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते फिरो। जाहिलियत के कत्लों के तमाम झगड़े मैं ख़त्म करता हूँ। पहला खून जो बातिल किया जाता है वह रबिया बिन हारिस अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का है, मैं उसको ख़त्म करता हूँ। अगर किसी के पास अमानत हो तो वो उसे उसके मालिक को अदा कर दे और अगर सूद हो तो वो ख़त्म कर दे। हाँ, तुम्हारा सरमाया तुम्हें मिल जाएगा, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए, यानी जुल्म को बर्दाश्त भी ना करो। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सूद ख़त्म कर दिया गया और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूँ। ऐ लोगो, तुम्हारी इस सरजमीन में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी इताअत किए जाने पर खुश है, इसलिए अपना दीन उससे महफूज रखो, शैतान से अपना दीन बचाए रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद उसी दिन से 12 है जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था, उनमें से 4 हुरमत वाले हैं, 3 ये हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये कंटिन्यू लगातार हैं और रजब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहो, खुदा के नाम की जिम्मेदारी से तुमने उनको बीवी बनाया और खुदा के कलाम से तुमने उनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर उतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को आने न दें, लेकिन वो अगर ऐसा करें तो उनको ऐसी सज़ा दो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर ये है कि तुम उनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे हैं, जो खुद खाओ उनको खिलाओ और जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। खुदा ने विरासत में हर हकदार को उसका हक दिया है, अब किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं। लड़का उसका वारिस जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, जिनाकार के लिए पत्थर है और उनके हिसाब खुदा के ज़िम्मे हैं। औरत को अपने शोहर के माल में उसकी इजाज़त के बगैर लेना जायज़ नहीं। कर्ज अदा किया जाए, आरियत वापस की जाए, अतिया लौटा दिया जाए, जामिन तावान का जिम्मेदार है। मुजरिम अपने जुर्म का जिम्मेदार है, बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं। अगर कटी हुई नाक का कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर मुकर्रर कर दिया जाए और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक लेकर चले तो उसकी इताअत और फरमा बरदारी तुम पर लाजिम है। ऐ लोगो, ना तो मेरे बाद कोई नबी आएगा और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली है। खूब सुन लो,
खूब सुन लो कि अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और पंचगाना नमाज अदा करो। साल भर में एक महीना रमज़ान के रोज़े रखो, अल्लाह के घर का हज करो। मैं तुम में एक चीज़ छोड़ता हूँ, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह ना होगे। वो क्या चीज़ है? किताबुल्लाह, कुरान अजीम और सुन्नत रसूलुल्लाह। और दूसरी हदीस में है, मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी मजबूत चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है और दूसरी मेरी आल अहले बैत है। इस खुतबे को ख़त्म करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं सहाबा से पूछा, क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में मेरे बारे में अगर सवाल किया जाएगा तुमसे, तो ऐ मेरे सहाबा तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? सारे सहाबा ने यूं कहा, आसमान की तरफ उंगली उठाई, अरफात के मैदान में कहा, ऐ खुदा तू गवाह रहना, ऐ खुदा तू गवाह रहना, ऐ खुदा तू गवाह रहना। और उसके बाद आपने फरमाया, सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी निभा दी है, आपने अमानत पहुंचा दी है, आपने रिसालत मुकम्मल की है। कद अद्दैतल अमानता व बलगतर रिसालता व नसहतल उम्मत या रसूल अल्लाह, सदकत या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ भी फरमाया वो बिल्कुल सच फरमाया है। यह है खुतबा हज्जतुल विदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। इसको अगर तशरीह में मैं चला जाऊँ तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। आज ये जुमा का मुख्तसर वक्त है मेरे अजीज़ों, इसमें एक एक पॉइंट ऐसा है जिस पर पूरी पूरी गुफ्तगू होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो आपको फरमाया वो देखिए, बुनियाद आपकी बताई, तुम में किसी को गुरूर और तकब्बुर ना आए, तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है, तुम्हारी हैसियत सिर्फ मिट्टी की है, इसीलिए हमको मिट्टी में दोबारा दफन किया जाता है, जहाँ से पैदा किया गया वहाँ डाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम दोबारा तुमको क़यामत के दिन उठाएंगे। हमारी असलियत मिट्टी है, और मिट्टी आजिज़ी सिखाती है और आग बर्तरी यानी बुलंदी तकब्बुर सिखाती है। इसीलिए शैतान आग से पैदा हुआ, तकब्बुर दिखाया, इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, हमेशा आजिज़ी करे, गुरूर और तकब्बुर ना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, गोरा है तो काले पर फजीलत नहीं है, किसी को किसी पर नहीं। हाँ, अल्लाह की बारगाह में अगर किसी को किसी पर फजीलत है तो वो सिर्फ परहेजगारी से है, जिसका अमल जितना अच्छा है वो उतना मुअज़्ज़म है। यहाँ खानदानों की भी फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी, कोई किसी पर बर्तरी ना हासिल करे। आज जैसे जबरन टैक्स वसूल किया जा रहा है कि मैं फलां खानदान से हूँ, तुम पर मेरी इताअत वाजिब है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी ने आखिरी हज में ही ख़त्म कर दी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दी। अजीज़ान गिरामी, इसी खुतबे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स दिया है, बराबरी का दर्स दिया है, यहाँ तक कि फरमाया, तुम्हारे पास अगर कोई काम करने वाला हो, जैसे कोई मजदूर हो, हुजूर ने फरमाया, जो तुम पहन रहे हो वही इसी उसको वही पहनाओ, जो तुम खा रहे हो वही उसको खिलाओ। कौन है आज दुनिया में उनके हक की आवाज़ उठाता है? या उस दौर में मेरे मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं जब पांच पांच जंजीरों से बांध करके यूनान की हुकूमतें औरतों को बेचने के लिए बाजार में लाते थे। उस वक्त बाजार में औरतों को गले में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में जंजीर बांध करके लाया जाता था। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के हुकूक बयान कर रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो, औरतों के हुकूक के लिए उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको एक लुकमा भी अगर तुमने खिलाया तो मौला सदक़े का सवाब अता करेगा। मारने से मना किया, जुल्म करने से मना किया। अजीज़ान गिरामी, तमाम तर ये गुरूर और तकब्बुर के मामलात को मेरे आका ने इसी खुतबे में ख़त्म फरमाया, और यहाँ तक फरमाया, सूद को मैंने अपने पाँव से रौंद दिया। और हदीस में है, सूद अब इसके बाद जो लेगा, एक दिरहम भी सूद को ही खाएगा। सूद जानते हैं, जिसको आप बड्डी कहते हैं, मुसलमान मुसलमान से ज़्यादा माल लेता है, कर्ज़ देकर बढ़ा कर लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि उसने खाने काबा के सामने अपनी माँ से जिना किया। मुसलमानों, ये हमारा है ही नहीं तरीका। अल्लाह ने हमें हलाल तरीके अता किए हैं, तिजारत करो, बै करो, सूद और ये इंटरेस्ट कहो या इसको फाइनेंस कहो या बड्डी कहो, अगर मुसलमान मुसलमान आपस में लेन देन में इस तरह बढ़ा करके तिजारत करते हैं तो हराम है, हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और उसके बाद कास्ट, किसी का कुछ नहीं। कास्टिज़म जो है ये इस्लाम ने उसी वक्त ख़त्म किया है।
आज तक दुनिया जो अपने आप को सुपर पावर कह रही है, वहां पर भी काले गोरों की लड़ाई आज तक चल रही है। काले गोरे की लड़ाई तो हुजूर ने 1400 साल पहले खत्म की। आज अमेरिका में नहीं देख रहे आप, सारे काले एक तरफ हैं, गोरे एक तरफ हैं, फसादात भड़के हुए हैं। ये पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स सिखाने के लिए चले हैं, जो अपनी जमीन पर काले गोरों का फर्क नहीं जानते। आज ये कोर्ट में जा रहे हैं, हाजी अली में औरतों को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, ये बहुत सारे मामलात होंगे। मैं इनसे कहता हूं, तुम दलित लोगों को पुजारी और पंडित बनने की इजाजत क्यों नहीं देते? वो इंसान अलग है क्या? ये इंसान अलग है? इस्लाम ने मस्जिद के मुसल्ले को किसी के लिए खास नहीं रखा। अगर किसी किसान का बेटा भी हाफिज कुरान हो तो हमारा इमाम है। हमारे यहां कास्टिज्म नहीं है, खान है, पठान है, सैयद है, शेख है, कोई भी हो, बस शर्त यह है कि सीने में अल्लाह का कलाम, रसूल पाक की शरीयत हो, वो हमारे मुसल्ले का इमाम बन सकता है। हमारे लिए यहां पर कोई कास्ट नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं ये आलमी पैगाम देता हूं, आलमी पैगाम है, मेरे मुस्तफा के खुतबे को फिर से पढ़ो ऐ लोगों, फिर से पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस फर्क को हमेशा के लिए खत्म किया। ये कोई कास्ट नहीं है, मैं इस पर और गुफ्तगू करूंगा। आज जैसे हालात हमारे आसपास के नजर आ रहे हैं, अब ये बीमारी और वबा में भी जो सबसे बड़ी साजिश है वो यही है, छूत अछूत पैदा किया गया है। भाई भाई को छूने से डर रहा है, बाप बेटे के सामने जाने से डर रहा है। क्या ये छूत अछूत के मामलात नहीं है? फिर से वही लाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, हमने तो बचपन में ये सुना था, बच्चा अगर लंगड़ा लूला और बल्कि मुंह से उसके झाग निकल रही हो, ऐसा भी बच्चा पैदा हो तो माँ सीने से लगाकर दूध पिलाती थी, क्योंकि माँ भी इंसान है और बच्चा भी इंसान है। क्या कभी आपने देखा लूले लंगड़े बच्चे को माँ ने दूर कर दिया? अरे जानवर नहीं दूर करते। आज एक बीमारी के खौफ से लोगों के रिश्तेदारियों को खत्म कर दिया गया है। ये भेदभाव का कहां से मामला आया? बच्चे बाप को हॉस्पिटल में छोड़कर 20-20 दिन से गायब हैं। ये भी वाकयात है मेरे पास। बाप मौजूद है हॉस्पिटल में, कोई उसकी खैरियत पूछने तक नहीं आता। बेटा क्यों? डर है कहीं कोरोना मुझको ना लग जाए। ये चीजें क्यों पैदा की गई? अरे हम तो अब तक कैंसर के पेशेंट को भी कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाते थे, नहीं ले जाते? जिसके घर में मर्ज आए तो मर्ज उसके जिस्म को है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वो अकीदा, वो फार्मूला रखो तो सबकी फैमिली, सबके खानदान महफूज होंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? 14 सदियों पहले ही फरमाया था, एक की बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती। ये जो अरफात के मैदान का जम्मे गफीर है, यहाँ एक देखने का मंजर ऐसा होता है कि इस्लाम यहाँ खुल करके नज़र आता है, और जिससे मैं नाम तक नहीं पूछ सकता लेकिन उसको भी मैं अपनी ही तरह लिबास में देखता हूँ। ये वो मंजर है जो पूरे इस्लाम की आफाकियत को वहाँ पर जाहिर करता है। इस्लाम किसी एक गांव का मज़हब नहीं बल्कि पूरे आलम का मज़हब है, पूरे कायनात का ये दीन है, जो उस मैदान में जमा हो करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे होते हैं। तो दर हकीकत अरफात ये लोगों के दिलों को जमा करने का दिन है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आज आपके सामने हाजिर आया, वैसे भी तकरीरें आप सुनते रहते हैं, मैंने सोचा कि आज एक ऐसा अजीम दिन है, अरफात का दिन भी और जुमा भी है, इसको बहुत ही मुक़द्दस तरीन दिन कहा गया है, क्यों ना मैं अपने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आखिरी हज ही बयान करूं, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले थे। हर मोमिन को चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा के सफ़र को भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह हज फरमाए, कितने हज किए, हज में क्या क्या किया, ये भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है या नहीं? हम ऐसे वैसों की ट्रैवल हिस्ट्री देखते रहते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र हज क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं पढ़ते? बल्कि मैं आपको बताऊं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र हज पूरी कायनात के इंसानों के लिए एक ऐसा दस्तूर मुरतब किया गया है उस हज के सफ़र में, कि उस वक्त तक पूरी दुनिया में लॉ और कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे कवानीन मुरतब करके अपने खुतबे में बयान कर दिए, हुआ ये कि मैं शुरू से अर्ज़ करता हूँ,
حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی، کافی عمر دراز صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے، جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی، آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ یہ جو 10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں بلکہ 9واں سال آیا، آپ کی ہجرت کا 9واں سال۔ ابھی بھی ہم جو ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے، اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے۔ آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا، 9 سال ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں، یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی، جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے۔ اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے، سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے۔ تو سب جمع ہونا شروع ہوئے، تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے صرف ایک مہینے کے اندر، وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے، اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000 مختلف ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے۔ ذوالقعدہ کا آخری عشرہ تھا، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالقعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی اور سب سے کہا سفر کو کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے، اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے۔ مدینہ والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے، اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ جس پر آپ سوار تھے، اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی۔ مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو جو تمہارے آس پاس درخت، پتھر، پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے۔ آمین۔
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने भी लब्बैक पुकारा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मैंने देखा पहाड़ी के ऊपर से, तो मैंने देखा कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सब सहाबा इकराम के सरों का समंदर नज़र आ रहा है, सब एहराम में मलबूस हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एहराम किसने पहनाया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अत्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मल दिया और उसके बाद एहराम के दो कपड़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सिले हुए सफ़ेद रंग के और बग़ैर किसी रंगे हुए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहबंद पहनी और एक ऊपर से चादर जिसको होता है, चादर जिसको कहते हैं, ये डाल ली और तलबिया पढ़ते हुए ये काफ़िला निकल पड़ा। वो क्या समा होगा जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कस्बा पर मौजूद हैं और उसमें से हज़ारों पैदल भी थे, हज़ारों सवार भी थे और सब उस काफ़िले में चल रहे थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, चाहे हम काफ़िले से जितनी भी दूर जाते, नज़र उस काफ़िले पर पड़ते तो पहली नज़र मेरे आका पर ही होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफ़िले में इस तरह नज़र आ रहे थे कि किसी सहाबी को हुजूर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। वो जिस तरफ से भी अपनी निगाहें उठाता था, ऐसे ही लगता जैसे रात के वक्त हम चल रहे हों तो चाँद को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पेश आती। जहाँ आप खड़े हैं, आसमान पर नज़र उठाई तो चाँद सामने नज़र आया। सहाबी कहते हैं, हमने जहाँ पर से भी नज़र उठाई हमें ऐसा लगता था यह आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत हमारे सामने मौजूद है। और उस चाँद की किरणों के साए में ये सहाबा चलते रहे। ये सफ़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा तक का ये तकरीबन 9 दिन का सफ़र बताया गया है। और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका था, शुरू के अय्याम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। मकाम ज़ी तवा वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर आपने अपने काफ़िले को उतारा और फिर वहाँ पर गुस्ल फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और सारे सहाबा से कहा कि यहाँ पर गुस्ल कर लो, यह अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के गुस्ल की जगह है। अब वो सहाबा कैसे तालीम ले रहे थे हर एक अमल की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा कर फिर बाबुस्सलाम, इन नजदियों ने उस दरवाज़े को अभी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कर रखा है, बाकी अपने बाप दादाओं के नाम पे बड़े बड़े गेट बनाए हैं। जो गए हैं वो जानते हैं, बाबुल मलिक फहद, बाबुल मलिक अब्दुल अज़ीज़, बाब मलिक अब्दुल्ला, ये सब बादशाहों के नाम पर आसमान छूते हुए इमारतें यानी बड़े बड़े मीनारें बनाकर गेट लगाए हैं। और जिस दरवाज़े से मेरे मुस्तफ़ा दाखिल होते थे उसको अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। वो बाबुस्सलाम है जिसमें से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हरम में दाखिला होता था, और उसी के बगल में बाबुन नबी भी है। वो इतना है जैसे हमारी मस्जिद का दरवाज़ा समझ लें, इतने बड़े हरम के अंदर, इतने बड़े हरम के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा। ये क्या है, मोहब्बत नबी हो सकती है? होना तो ये चाहिए था कि वहाँ जाने के बाद हर मुसलमान को अपने नबी के निशानात नज़र आएँ, ना कि इन बादशाहों के जो चोर और डकैत थे और किसी तरह से जुल्म और जबर के साथ ये तख्त को हासिल किए हुए हैं, इनके निशानात क्या माने रखते हैं? इंतज़ार करो, ये भी सब नाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कोई दूसरे नाम अल्लाह ताला वहाँ बताएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी मकाम ज़ी तवा से गुस्ल फरमा कर मक्का मुकर्रमा के मोहल्ले में दाखिल हुए, जब आपके ख़ानदान बनू हाशिम को ख़बर हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो पूरे मक्का के जो आपके बनू हाशिम के ख़ानदान थे हाशमी, सारे बच्चे जवान सब दौड़े दौड़े मेरे आका की इस्तकबाल के लिए आए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही वालेहाना मोहब्बत से कुछ बच्चों को अपने ऊँट के सामने बिठाया, कुछ को पीछे बिठाया, कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर लदे हुए सामान से लटकते हुए जा रहे थे। यहाँ तक के उस दरवाज़े पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आकर उतर गए, जिसको बाबुस्सलाम कहा गया है। यहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके बाद आपका दाखिला जो हुआ, सहाबा सब इस वाक़े के गवाह हैं। ये मैं जो बयान कर रहा हूँ ये हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान की हुई हिकायत बयान कर रहा हूँ, वो सहाबी बयान कर रहे हैं। हज़रत इमाम बाकर को कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर खड़े हो गए और उसके बाद जैसे ही आपने अंदर कदम रखा ये पढ़ा, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, जो आज हम हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिले के वक्त ये दुआ पढ़कर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही आप खाने काबा के पास आए,
अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं सबके जिस्म वहीं के वहीं साकित हो गए कि काफ़ी ज़माने के बाद हरम काबा में कुछ सहाबा को दाखिला मिला था। फतेह मक्का हो चुका था लेकिन ये हज के लिए जो आए थे ये बड़ी शान थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो गए और आपकी दाढ़ी मुबारका से आंसू के कतरे टपकते हुए सहाबा ने देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद हाथ उठाए और दुआ यूं करने लगे, जीतु इलैका हारिबन या अल्लाह। ये अल्फाज हैं, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, ए अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया हूँ, दुनिया को पीछे छोड़कर मैं तेरे दरबार में आया हूँ। ए मुसलमानों बताओ हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी? वही जो चटाई छाल खजूरों के छाल से भरी हुई और वही तकिए और चंद मशकीज़े मिट्टी की हांडियाँ, इसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सी दुनिया थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा महल छोड़ा था, कितनी जायदादें छोड़ाई थी? मुख्तसर सी दुनिया थी, उसके बावजूद भी मेरे आका फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, मौला मैं पूरी दुनिया छोड़ कर तेरे दरबार में आया हूँ, मैं हारी बन कहते हैं भाग करके आया हूँ। जब बंदा किसी चीज़ में अमन लेने के लिए भाग कर आता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करते मौला की बारगाह में, ए मौला दोबारा उस चीज़ में हमें ना दाखिल फरमा। अब हरम पाक में जब दाखिल हुए तो ये जवाल का वक्त था, यानी जहर के वक्त के करीब का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब जहर का वक्त हुआ आपने पहली नमाज वहाँ पर अदा की और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के किनारे हजर असवद जो लगा हुआ है उसको जाकर के आपने बोसा दिया और उसके बाद अपना तवाफ़ शुरू किया और सारे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ में थे। 7 चक्कर खाने काबा के तवाफ़ के हो गए। मैं समझता हूँ उस वक्त काबा भी रश कर रहा होगा कि बुत खाने से और सनम खाने से जिसने मुझे आज़ाद कराया वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 1 लाख से ज़्यादा अपने परवानों के साथ खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। जब ये तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो फिर हजरे अस्वद के इस्तेलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास आए और ये आयत पढ़ी, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, और उसके बाद सारे सहाबा से कहा यहाँ 2 रकत नमाज अदा करो। वो मकाम इब्राहिम आज भी मौजूद है जिस पत्थर पर मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, जिस पत्थर पर खड़े होकर, वह पत्थर आज भी रखा गया है। उसके पास 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान का हुक्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। सहाबा फरमाते हमने आयतें भी देखी, हुजूर ने पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ा और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये वो पत्थर है जिसके पास 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। पत्थर के पास, यहाँ तो झगड़े औलिया इकराम के मज़ारात के पास है, वो तो पत्थर है जिस पर नबी खड़े हुए थे। नबी जिस पत्थर पर खड़े हों वहाँ कुरान कह रहा है तू 2 रकात नमाज पढ़, तेरी नमाज कबूल है। जहाँ पूरे नबी दफन है वहाँ दुआ भी कबूल नहीं होती? कैसा अकीदा है? अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, यहाँ पर मुफस्सिरीन ने फरमाया है इस पत्थर के पास जो नमाज पढ़ने का हुक्म है क्या इस वजह से है कि उस पर खड़े होकर के आपने खाने काबा की तामीर की थी? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, एक वजह यह भी है कि उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मेरी नस्ल में एक नबी पैदा फरमा, एक ऐसा नबी पैदा फरमा जो तेरी आयतों की तिलावत करे और लोगों के दिलों को साफ सुथरा करे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी और आपकी नस्ल में जो नबी मक्का में आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस पत्थर पर खड़े होकर के नबी को मांगा गया था, इस वजह से मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जगह मुस्तजाब है। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र को जल्द बयान करूँ, मुझे और कुछ अर्ज़ भी करना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, उसके बाद सहाबा फरमाते, हज़रत जाबिर फरमाते हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ तशरीफ़ ले आए और पहाड़ी के बुलंद हिस्से तक आए, ऊपर तक, जहाँ से खाना काबा साफ हमें नज़र आ रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए, इतनी बुलंद
कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक या हाथों के नीचे की सफ़ेदी नज़र आने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तकबीर पढ़ी और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा अंजज़ा अब्दा नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अल्लाह ताला ने अपने वादा मुकम्मल कर दिया, अपने बंदे की मुकम्मल अल्लाह ताला ने मदद की और तन्हा रब्बे जुलजलाल ने पूरे काफिरों को शिकस्त दिया। ये दुआ पढ़कर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा की सही शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से चलते थे और मरवा की तरफ बीच में थोड़ा सा हिस्सा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेज़ी से जाते। सारे सहाबा ने यह हर अमल को नोट किया है। फिर ये सफ़ा मरवा, मरवा से सफ़ा, ये 7 चक्कर मुकम्मल हुए। मरवा में पहुँचने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। ये क्या था? उम्रा था। अब यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम इरशाद फरमाई कि अगर मैं अपने साथ जानवर नहीं ले आता मदीने से तो मैं अपना अहराम खोल देता और अपने बाल हलक कर लेता, लेकिन मैं जानवर मदीने से साथ लेकर के आया हूँ तो मैं उम्रा भी करूँगा और हज भी इसी अहराम में करूँगा। इसको कहते हैं हज किरान। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया एक ही अहराम में उम्रा भी और हज भी। लेकिन दूसरे सहाबा उस वक्त पूछने लगे हम तो जानवर नहीं ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए इजाज़त है कि तुम्हारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है, तुम अपने अहराम उतार दो और अपने बाल मुंडा लो, तुम्हारा उम्रा हो गया। फिर जब हज के दिन आ जाएंगे तब फिर दोबारा हज का अहराम अलग से पहन लेना, हज का एहराम अलग से पहन लेना। उसको कहते हैं हज तमत्तो। जो यहाँ से सारे हिंदुस्तानी हाजी अक्सर वही हज तमत्तो करते हैं, यहाँ से उम्रा की नियत करके जाते हैं। उम्रा होने के बाद एहराम खोल दिया जाता है और फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम पहनते हैं। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहराम नहीं उतारा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से ही उम्रा और हज दोनों की नियत फरमा चुके थे। अब ये होने के बाद हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, आपको और जानवर लाने के लिए फरमाया गया था। 100 के करीब आप ऊँट साथ में लेकर के आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा रल्लाहु ताला अन्हा अपना अहराम उतार चुकी थी, उनका उम्रा हो चुका था और वो यानी अलग खुशबू भी लगा चुकी थी, सुरमा लगा चुकी थी। हज़रत अली उस वक्त बाद में तशरीफ़ लाए। यह हज़रत जाबिर फरमाते हैं उन्होंने देख कर के बरहमी का इजहार किया फ़ातिमा अयाम हज हैं, अयाम हज के दौरान तुमने ये कैसे किया अहराम की हालत में। उस वक्त तक ये मसाइल नहीं थे, अरब क्या समझते थे हज के दिनों में उम्रा करना हराम समझते थे, हज के दिनों में उम्रा को वो जायज़ नहीं समझते थे। ये पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताया। हज़रत फ़ातिमा ने कहा हज़रत अली से ए मेरे सरताज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने अहराम उतारा है हज तमत्तो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी अहराम के साथ थे, उम्रा मुकम्मल किए और आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए क्या आपने ऐसा फरमाया कि उम्रा करके अहराम खोल दिया जाए फिर हज के दिनों में दोबारा अहराम पहने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने ऐसा कहा है। हज़रत अली से पूछा कि ए अली तुम मदीने से चले थे तो क्या नीयत किए थे, तुम्हारी नीयत क्या थी? अब जाहिर सी बात है वो हज तमत्तो करेंगे या हज किरान। अब हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम की बात देखें, अदब की बात। हज़रत अली ने वहाँ से मदीने से क्या नियत की थी, वो पीछे पीछे चल रहे थे। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने मदीने के से निकलने के बाद अहराम पहना तो ना मैंने हज की नियत की ना मैंने उम्रा की नियत की। ये कैसे, हज की भी नियत नहीं उम्रा की भी नियत नहीं, कहा क्या नियत की? हज़रत अली कहते हैं मैंने अहराम बांध करके ये कहा ऐ अल्लाह तेरे रसूल ने जो नियत की वो मेरी नियत है, मैंने ये नियत की है तेरे रसूल ने जो नियत यहाँ से की है मौला मेरी भी वही नियत है, मैंने इतना ही कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा अली तुम भी मेरे साथ हज किरान में हो, अहराम ना उतारना बाल ना मुंडाना। उम्रा मुकम्मल करने के बाद हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किरान में शामिल थे। चंद सहाबा हज किरान में थे, चंद सहाबा हज तमत्तो में थे। ये दिन गुजरे यहाँ तक कि 8वीं ज़िलहिज्जा आई। 8वीं ज़िलहिज्जा जो कल गुजर चुकी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद हरम शरीफ में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर एक खुतबा दिया।
और वहाँ से सारे सहाबा को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मीना की तरफ रवाना हो गए। मीना में जब पहुँचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहर का वक्त था, वहाँ पर मस्जिद खैफ आज जहाँ बनी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। उस मस्जिद के मुतालिक फरमाया गया कि उसमें 70 से ज़्यादा अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहि सलाम भी वहीं मदफून हैं। या और बात है कि उनकी कब्रें छुपा दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मीना में क़याम किया, जहर की नमाज़ पढ़ी, असर, मगरिब, इशा और दूसरे दिन नौवीं ज़िलहिज्जा जो आज का दिन है, आज के दिन की ये फजर की नमाज़ भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में अदा की। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्बीह में मशगूल रहे और सारे सहाबा को मीना की तारीख बताते हुए सहाबा से कहा कि अब अरफात को निकलने का वक्त है। जब सूरज निकल गया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मीना से अरफात की तरफ रवाना हुए। अरफात क्या है? एक बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान। और उस मैदान के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए कभी अरफात छोटा हो ही नहीं सकता। आज 40 लाख हो रहे हैं, इस साल नहीं, तकरीबन हर सालों में जो हज के लिए आते हैं करीब करीब 30 से 40 लाख के दरमियान वहाँ हुज्जात जमा होते हैं। आज जब छोटा नहीं हो रहा है, हमारा एतक़ाद ये है कि अगर 40 करोड़ भी जमा हो तो भी नहीं छोटा हो, उसमें बरकत है, उस मैदान में वसात है। अरफात के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपनी कसवा ऊँटनी पर थे, अज़वाज मुतहरात भी साथ थीं, सहाबा इकराम भी साथ थे। अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रहमत कहा जाता है, वहाँ पर आकर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना खेमा नसब किया और वहाँ वकूफ़ किया। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन को जमा करके कहा, तुम्हें मालूम है मुझसे पहले जितने भी नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम